नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस सीरीज का पार्ट 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक के जो 6 पार्ट बने हुए हैं उनको नहीं देखा है तो उनको आप लोगों ने देख लेना है, जिससे आपको पढ़ाई में एक सही दिशा मिलेगी और आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया है नेबिलॉन। नेबिलॉन इज अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट द कीमोथेरापी इंड्यूस्ड नाजिया ओमेटिंग। द ड्रग बिलोंग्स टू द कैटेगरी इज। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेबुलॉन एक ऐसा ड्रग है जो कैंसर में जो ड्रग यूज होते हैं या फिर कोई कीमोथेरापी में यूज होता है तो उसकी वजह से जो नॉजिया ओमिटिंग होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये काम आ रहा है नेबिलॉन करके। तो इस नेबिलॉन की कैटेगरी हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिया है, सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड्स, कैनाबिनॉइड्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो क्या है ये नेबिलॉन, नेबिलॉन क्या है? तो यहाँ से जो ऑप्शन सी है ना वह सही होगा दोस्तों। ये एक कैनाबिनॉइड्स ड्रग है नेबिलॉन करके, ठीक है, जो कीमोथेरापी में जो हो रहा है एडवर्स इफेक्ट नॉजिया वोमिटिंग उसको ट्रीट करने के काम आता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस पी एक्शन ब्लॉकर। देखो सब्सटेंस पी जो नेचुरल सब्सटेंस है उसके एक्शन को कोई ड्रग है जो ब्लॉक करता है, इसको दूसरा नाम भी है जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर 1 जो है ना उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा ड्रग आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सिसप्लैटिन, एप्रिपिटेंट, इनकेफालिन या फिर ट्रस्टुजुमैब। तो यहाँ से सही ड्रग होगा दोस्तों जो नेचुरल सब्सटेंस पी को इनहिबिट कर रहा है, उसके एक्शन को इनहिबिट कर रहा है या फिर न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर 1 NK1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, ऐसा जो ड्रग है उसका नाम है यहाँ पे एप्रिपिटेंट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, NK1 रिसेप्टर को भी ये इनहिबिट करता है, ठीक है, एप्रिपिटेंट। नेक्स्ट सवाल है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एट द बेस ऑफ द नेक इज सीन इन पेशेंट रिसीविंग। ऐसा कौन से ड्रग को रिसीव करने से पेशेंट के नेक के बेस पर फैट का एक्यूमुलेशन हो सकता है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एट द बेस ऑफ नेक इज सीन विद द पेशेंट रिसीविंग, कौन सा ड्रग है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, एंटीकोएगुलेंट्स या फिर NRTIs जिसको फुल फॉर्म है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर या फिर प्रोटीएज इनहिबिटर। तो यहाँ से सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है नेक पे बेस पर, तो ये जो है ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स का साइड इफेक्ट है दोस्तों, ठीक है। प्रोटीएज इनहिबिटर में कौन से ड्रग आएंगे जिनके सफिक्स में नावीर लिखा होता है, नावीर है ना, जो भी होगा लोपीनावीर, चेक्विनावीर करके, तो ऐसे ड्रग जो है प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं और इनके साइड इफेक्ट देखिएगा, नेक के बेस पर फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरफेरॉन एक्शन इज, इंटरफेरॉन का क्या एक्शन है बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल या फिर एंटी प्रोटोजोअल। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, एंटीवायरल एक्शन दिखाता है ये इंटरफेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, जेमसिटाबाइन, जेमसिटाबाइन एंड एंटी कैंसर ड्रग बिलोंग्स टू द कैटेगरी। देखो एक एंटी कैंसर ड्रग बताया है यहाँ पे जेमसिटाबाइन करके, इसका कैटेगरी बताइएगा आप, है ना, क्या कैटेगरी होगा इसका? ऑप्शन में दिया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, अल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स या फिर एंटीबायोटिक्स। तो इसमें से सही जवाब होगा दोस्तों ये एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में आएगा एंटी कैंसर ड्रग जेमसिटाबाइन, ठीक है। इसके अंदर आप देखो साइटोसिन दिख रहा है आपको, साइट है ना, तो ये साइटोसिन के लिए लिखा हुआ है। तो साइटोसिन जो भी प्यूरिन पिरामिडिन एनालॉग इसमें आते होंगे नाम में तो वो यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यूरासिल हुआ, साइटोसिल हुआ है ना इस तरीके से, या फिर एडेनाइन ग्वानाइन जैसे नाम अगर आपको दिखते हो ड्रग के नाम में कहीं ना कहीं तो आप उसको एंटी मेटाबोलाइट बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछता है, टाइप 1 DNA टोपोआइसोमरेज इज इनहिबिटेड बाय। देखिए टोपोआइसोमरेज 1 का इनहिबिटर करने वाला जो ड्रग है, इनहिबिट करने वाला ड्रग है उसको बताइएगा आप। यहाँ पे ऑप्शन देखो, टोपोटेकन, इटोपोसाइड, इरिनोटेकन या फिर बोथ ए एंड सी। तो जो टाइप 1 DNA टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करके एक्शन देता है ऐसा एक एंटी कैंसर ड्रग है दोस्तों, जिसका नाम यहाँ पे देखिएगा, ये टोपोटेकन इरिनोटेकन जो ड्रग है इस पे काम करते हैं, इसको इनहिबिट करके काम करते हैं। तो ऑप्शन सही होगा डी, जिसमें लिखा है बोथ ए एंड सी करके, ठीक है। इसका रिलेशन
टोपो आइसोमरेज 2 के साथ में है। इटोपोसाइड जो है उसका एक्शन जो है टोपो आइसोमरेज 2 के साथ में, यहाँ पे टोपो आइसोमरेज 1 की बात चल रही है, तो इसको इनहिबिट करने वाले ये दो ड्रग है दोस्तों, ठीक है, इरिनोटेकन एंड टोपोटेकन। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे एटोरवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन जिसके सफिक्स में स्टैटिन लिखा हुआ है, ऐसे स्टैटिन ड्रग क्या है, इज या फिर आर, स्टैटिन ड्रग्स आर या फिर एटोरवास्टैटिन ड्रग इज क्या है ये, इसका देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, एचएमजी कोए रिडक्टेज प्रोमोटर, एचएमजी कोए ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर या फिर एचएमजी कोए ऑक्सीडेज प्रोमोटर, क्या है ये एटोरवास्टैटिन या फिर स्टैटिन जो सफिक्स लिखे हुए ड्रग जो होते हैं ना वो क्या है, ये एचएमजी कोए रिडक्टेज के इनहिबिटर है दोस्तों, ठीक है, एचएमजी कोए रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको इनिबिट करके ये ड्रग काम करता है, एटोरवास्टैटिन और या फिर जिसके भी सफिक्स में स्टैटिन लिखा हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन पढ़ते वक्त हम तो याद रखते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप गलती से गलत ऑप्शन को टिक मत कर लेना दोस्तों, ठीक है, तो जो भी पढ़ो उसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा, फोकस करके पढ़िएगा, ठीक है, सिली मिस्टेक हो जाता है नहीं तो एग्जाम में। और हाँ, एचएमजी कोए का फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या है इसका, और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट्स बाय एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो यहाँ से आपको बताना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग का नाम, तो ऑप्शन देखिए, सिमोआस्टैटिन, लिसिनोप्रिल, लोसार्टन या फिर अम्लोडिपिन। बहुत आसान सवाल है लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में गलत हो सकता है, ठीक है, आप बताइएगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कौन सा ड्रग है, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, जो भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी लोसार्टन, जिसके सफिक्स में सर्टान आ जाए, ठीक है, स्टैटिन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के काम आ जाता है, जिसका हमने मैकेनिज्म ऑप्शन एक्शन देखा है, एचएमजी कोए रिडक्टेज के इनहिबिटर होते हैं स्टैटिन, लोवास्टैटिन, सिमोवास्टैटिन ड्रग जैसे, जो सर्टन है वो एआरबीज होंगे, देखो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एआरबी, तो जो भी एआरबी है यानी अरबी लोग अपने डिसीजन में सर्टन है करके याद रखिएगा, लोसर्टन, ठीक है, ये प्रील वाला जो आएगा ना एस में आएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, तो एस जो है ऐश्वर्या जो है उसका क्या है अप्रैल में है ना, तो ऐसे बोल के याद रखिएगा, अप्रैल में उसका कुछ होगा बर्थडे, बर्थडे करके याद रखिएगा, एस इज इन प्रील, या फिर ऐश्वर्या राय जो है रील में काम करती है ना पिक्चरों में, तो उसको रील बोलते हैं, तो एस इन रील, तो जो भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर बोलेगा तो हम प्रील लिखेंगे, रिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल जैसे ड्रग, ठीक है, और अम्लोडिपिन का कैटेगरी देख लीजिएगा आप कौन से चैनल को ब्लॉक करके काम करता है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज, लोकल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल बताइएगा, देखो ऑप्शन दिया है डेसफ्लुरिन, नाइट्रस ऑक्साइड, फेंटानिल या फिर लिडोकेन, तो जो भी लोकल एनेस्थेटिक होगा ना तो उसके सफिक्स में केन लिखा होगा दोस्तों, ये केन वाले को याद रखिएगा, ठीक है, लिडोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, बुपिवैकेन जैसे ड्रग लोकल एनेस्थेटिक में आ जाएंगे दोस्तों। और हाँ, हमारी जो फार्मा नोट्स की लाइफ टाइम PDF मेंबरशिप है दोस्तों, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़, और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप का इस्तेमाल करके, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम, और इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारा मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में प्रिपरेशन के लिए मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है, और इस नोट्स को हर वीकली बेस पर अपडेट भी किया जाएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अपडेटेड मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है, तो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है, इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी स्पीड आएगी, आप इस कॉम्पिटिशन को बहुत कम दिनों में कवर कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, हमारा जो 0 डिजिट करके चैनल है इसको भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड रीजनिंग की, इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो ये भी आपको जो नॉन टेक्निकल सेक्शन होते हैं पेपर में उसके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन सा ड्रग है जो डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो फेंटानिल, बुपिवैकेन, मॉर्फिन या फिर केटामाइन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछने की बहुत सारी आशंका है, तो डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया जो प्रोड्यूस करता है
वो ड्रग है किटामाइन। ठीक है, किटामाइन का नाम के साथ में इसको कोरिलेट कर लो दोस्तों, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया जो प्रोड्यूस करता है वो किटामाइन है। नेक्स्ट सवाल है, एलिमेंट यूज्ड टू ट्रीट द बाइपोलर डिसऑर्डर। ये भी ऐसा ही सवाल है जो बहुत एग्जाम में इसको सेलेक्ट किया जा सकता है और बहुत सारे बार जीपैट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट आप इस्तेमाल करोगे? तो यहाँ पे देखो, गोल्ड है, सिल्वर है, लिथियम है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बाइपोलर डिसऑर्डर की बात आए तो लिथियम को टिक कर देना दोस्तों, लिथियम इसके लिए बहुत सही ट्रीटमेंट ड्रग है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे बेसिक बायोलॉजी से आपके लिए, लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस किसको बोला जाएगा? ये बेसिक केमिस्ट्री से बिलोंग करेगा। लाफिंग गैस कौन से गैस को बोलोगे आप? ऑप्शन देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो लाफिंग गैस पिक्चरों में देखा है ना आपने, तो ये जब छूटता है तो हंसी छूट जाती है, तो इसका जो होता है ना गैस, तो होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO करके। ठीक है, NO, ना कि NO2। ठीक है, ये नहीं होगा, NO होगा। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लाफिंग गैस होता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस से, बोला है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फॉर्म इन विच लाइसेंस इश्यूड फॉर द सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स टू होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल फॉर द ड्रग्स अदर देन CC1 एंड X इज। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना, इसको छाट छाट के थोड़ा सा पढ़ लेना है। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ये आते हैं ये फॉर्म नंबर, तो इसको हटाइए थोड़ी देर के लिए। फिर बोलता है फ्रॉम इन विच लाइसेंस इश्यूड फॉर द सेल स्टॉक एग्जिबिट सेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी छोड़ दीजिएगा। आगे जो बोलता है होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और एंड इसके बाद में फॉर द ड्रग्स अदर देन CC1 एंड XX, तो ये जो दो सेंटेंसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मोटर व्हीकल, और उसके बाद लिखा है फॉर द ड्रग्स अदर देन CC1 एंड XX। इसके लिए फॉर्म बोलिएगा क्या होगा? ऑप्शन देखो, फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 21BB, फॉर्म नंबर 22BB या फिर फॉर्म 20BB। तो देखो, यहाँ पे बात चल रही है अदर देन CC1 एंड X ड्रग की, तो जिसके लिए 20 आएगा, और यहाँ पे बात चल रही है होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मोटर व्हीकल, तो BB आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा फॉर्म 20BB, BB करके। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म नंबर को भी आपने नोटिस करना है, उसको भी पढ़ लेना है हमें, और हमारा जो वीडियो फॉर्म नंबर पे बना हुआ उसको भी देख लीजिएगा। काफ़ी आसान तरीके से बहुत सारे फॉर्म नंबर आप याद रख सकते हो। ठीक है, और एक बार वीडियो करोगे तो कोई फॉर्म आपका भूलेगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन कौन है? जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? DTAB, DTAB करके, आप सभी को पता होगा। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बताना है, तो ऑप्शन में देखो, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड लास्ट ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखो, इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऐसे फुल फॉर्म आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा शायद, लेकिन सभी को पता होगा शॉर्ट फॉर्म में कि DGHS जो है चेयरमैन होता है DTAB का। DGHS तो सबको पता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS करके, है ना? तो DGHS को याद रखिएगा, यही होता है ये DTAB का चेयरमैन, DTAB यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे होता क्या है, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।